हाँ जी नमस्कार, राधे राधे। तो अपनी चर्चा कुंडली में रत्न को लेकर चल रही थी, रत्न परिचय। कुंडली के अनुसार कौन सा रत्न कितना और लग्नानुसार कब पहने, किस ग्रह का पहने। हमारी चर्चा कर्क लग्न तक खत्म हो गई थी, अब हम सिंह लग्न पर चर्चा करेंगे। सिंह लग्न का जो लग्नेश का रत्न बनता है, उस बनता है माणिक। सूर्य लग्न के लाड हुए तो आप यहाँ पे माणिक पहन के शरीर को हेल्दी बना सकते हैं, स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं। माणिक पहनने से आपके अंदर रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता का विकास होगा, और जब आपके अंदर रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता का विकास होगा तो आप किसी भी परेशानी से लड़ सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर मजबूत है, किसी भी आपदा से लड़ सकता है। देखो अपना 56 इंची लड़ रहा है चाइना से, कोई डर नहीं है, ठीक है ना। वहीं पे मनमोहन सिंह जी थे, रेड कार्पेट बिछा रहे थे। तो आप अगर मजबूत हैं तो आपको मान सम्मान मिलेगा। लग्न का लाड़ मजबूत है, मान सम्मान मिलेगा। लग्नेश पंचमेश नौमेश सदा मजबूत रखिए, मेरा अपना कॉन्सेप्ट है, लग्नेश पंचमेश नौमेश को सदैव मजबूत करिए। तो लग्नेश को मजबूत करने से आपको इतना फायदा होगा, मान सम्मान मिलेगा और आप हेल्दी रहेंगे। तो अगर हेल्दी रहेंगे तो सारा काम अच्छा कर पाएंगे। आपके पंचम भाव के स्वामी गुरु बनते हैं तो पंचमेश को आप मजबूत कर सकते हैं, विद्या का आपको भी लाभ होगा, बुद्धि का विकास होगा, त्वरित निर्णय आप फटाफट ले पाएंगे, इष्ट की आपको कृपा मिलेगी। लेकिन यहाँ पे गुरु अष्टमेश भी हैं, तो गुरु के पास जहाँ एक तरफ ज्ञान है, ठीक है ना, एक तरफ प्रेम है, एक तरफ सूक्ष्म बुद्धि है, वहीं दूसरी तरफ अंधकार भी। अष्टम क्या है, गहराई का है, मृत्यु का है, असमंजस की स्थिति का है, संघर्ष का है। इसलिए गुरु जहाँ पे बैठेगा, कारको भावनाशा, वो यहीं के लिए बना हुआ है, ठीक है ना। जब इस पर अलग से चर्चा करेंगे तो गुरु जहाँ पे बैठेगा उस पार्ट को वो चीज़ें देगा जो सेकंड राशि में उसके साथ लगी हुई हैं। इसलिए महादशा अंतरदशा को देखते हुए आप गुरु का रत्न पहना सकते हैं। मूंगा नौमेश और सुखेश है, नौमेश और सुखेश है, इसलिए मूंगा लॉन्ग लाइफ पहनाइए। मूंगा पहनने से सिर्फ फायदा फायदा और फायदा होगा, नुकसान हो ही नहीं सकता। थोड़ा सा नुकसान क्या होगा, गुस्सा ज़्यादा आ सकता है, रक्त में उबाल ज़्यादा रहेगा। पन्ना समटाइम्स पहन सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है आर्थिक स्थिति से उबरने के लिए, पैसा कमाने के लिए आप पन्ना पहन सकते हैं, और अगर पैसा आपके पास पर्याप्त मात्रा में है तब आप मत पहनिए, क्योंकि सेकंड क्वालिटी का मार्केस है, ठीक है ना, सेकंड क्वालिटी का मार्केस है। तो उस अवस्था में आपको पैसे की ज़्यादा आवश्यकता है, या महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, तो समटाइम्स आप पहन सकते हैं, लॉन्ग टाइम नहीं पहन सकते। साथ में सिंह लगन के लिए नीलम बिल्कुल अवॉइड करिए, नीलम बना ही नहीं है। मोती अवॉइड करिए, मोती बना ही नहीं है, बेस है। तो माणिक पुखराज मूंगा ये तीन स्टोनी बनते हैं। साथ में क्या ओपल पहन सकते हैं, डायमंड पहन सकते हैं, पिता से नहीं बन रही है, सरकार से नहीं बन रही है, भाइयों से आपस में सामंजस्य में अभाव है, मित्र चीटिंग कर रहे हैं, पराक्रम आप कर नहीं पा रहे हैं, ऐसी स्थिति से उबरने के लिए समटाइम्स आप ओपल पहने। सरकार से मान सम्मान मिलेगा, भात प्रेम मिलेगा, मित्र भी सहयोगी होंगे। अगली लग्न कन्या लग्न, लग्न का लाड़ मरकरी। तो आपके कर्मेश और लग्नेश बुध हो गए, तो बुध का आप रत्न पन्ना आजीवन पहन करके निश्चित रूप से आपको जहाँ शारीरिक स्वास्थ्य में लाभ होगा, वहीं सरकार से, पिता से और राजा मान सम्मान मिलेगा, पिता से मान सम्मान मिलेगा, सरकार से मान सम्मान मिलेगा, कार्य क्षेत्र में विकास होगा, वे आप टॉकिंग आपकी अच्छी होगी, आपकी पर्सनालिटी अच्छी होगी, इसलिए आपको हर जगह मान सम्मान मिलेगा। आप कुंडली में पंचमेश जो है शनि है, लेकिन साथ में खष्टेश हैं, मूल त्रिकोण राशि उनकी खष्टम भाव में है, इसलिए कन्या लग्न वालों को नीलम पहनने के पहले सोचना पड़ेगा शनि कहाँ बैठा है। शनि अगर पंचम में ही बैठा है पहन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, लेकिन शनि खष्टेश है, खष्टेश होने का प्रभाव तो देगा ही देगा। इसलिए जब भी आप पहनिए बहुत सोच समझ के पहनिए। साथ में नौमेश, नौमेश रत्न क्या है, ओपल डायमंड, आप विदाउट हेजिटेशन डायमंड पहनो, ठीक है ना। नवम भाव का स्वामी है, आपको लाभ ही लाभ होगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन सेकंड हाउस का स्वामी कौन है, सेकंड हाउस का स्वामी भी शुक्र है, इसलिए शुक्र किंचित अवस्था में हल्की सी मार्केस है। लेकिन शास्त्र हमारा क्या कहता है, द्वितीय और द्वादश भाव के स्वामी सदैव अपनी दूसरी राशि का ही फल देंगे, दूसरी राशि का ही फल देंगे। इसलिए यहाँ पे शुक्र
नवम भाव का ही फल देगा। तो कन्या लग्न वालों के लिए पन्ना और ओपल ये जीवन पर्यंत चलने वाले रत्न है। नीलम समटाइम्स, नीली समटाइम्स, मैं तो कहूँगा नीलम ना पहने, नीले से काम चलाएं। नीलम 1000 mg की दवा है, नीली 100 mg की दवा है। जो स्टोन होते हैं ग्रहों के मुख्य रत्न, वो आप मान के चलिए कि 1000 mg हैं। जो उपरत्न होते हैं वो 100 mg हैं। तो सूट भी उसी तरह से करते हैं और उसका एक्शन रिएक्शन दोनों कंट्रोल में रहता है। यहाँ पे पुखराज आप पहन सकते हैं समटाइम्स, क्योंकि सुखेश है, गुरु क्या है सुखेश है, मार्केश भी है, लेकिन उसकी मूल त्रिकोण राशि सुख भाव की स्वामी है। तो मेरा अपना मानना है कि कन्या रत्न वालों को सफ़ेद पुखराज पहनने से बहुत फायदा होता है। पुखराज कौन सा पहने, सफ़ेद, पीला की अपेक्षा सफ़ेद पुखराज पहन कर रखें, जीवन पर्यंत आपको लाभ होगा। मार्केश कौन करेगा, मार्केश आपकी कुंडली में आपका शनि, आपका मंगल और अब सूर्य। जब भी आपके साथ एक्सीडेंट होगा मंगल शनि सूर्य की अवस्था में होगा, उसका आप एक्सीडेंट का प्रभाव भले आप गुरु को दे दें, लेकिन कराएगा कौन, शनि कराएगा, मंगल कराएगा, सूर्य कराएगा। एकादश भाव का स्वामी चंद्रमा है। लाभ तो आपको मिलेगा, मोती पहनने से आपको लाभ तो मिलेगा, लेकिन दुर्घटना भी होगी, एक्सीडेंट भी होगा, इसलिए आवश्यकता नहीं है तो मोती को ना पहने। कन्या रत्न वालों के लिए, कन्या लग्न वालों के लिए मूंगा बिल्कुल अवॉइड करिए, ठीक है ना। मूंगा रत्न बना ही नहीं है, मंगल सर्वाधिक खतरनाक प्लेनेट से कन्या लग्न वालों के लिए। तो आपके लिए पन्ना और ओपल या डायमंड जीवन रत्न है, पहन के रखिए। नीलम बहुत सोच के पहनिए, पुखराज सफ़ेद पुखराज आप पहन सकते हैं। साथ में तुला लगन, तुला लगन में लग्न का लाड कौन हो गया, शुक्र हो गया, लेकिन शुक्र क्या है अष्टमेश भी हैं। अब ऐसे कंडीशन में आप ओपल सोच के पहनिए, अगर लगन में ही है विदाउट हेजिटेशन पहनिए, अष्टम में है विदाउट हेजिटेशन पहनिए, लेकिन ये शुक्र जहाँ और बैठेंगे उस पार्ट को कष्ट देंगे क्योंकि अष्टमेश हैं। अब यहाँ पे पंचमेश और सुखेश शनि हो गए, तो नीलम ऐसे लोगों को बहुत सूट करता है। तुला लगन वालों के लिए नीलम, नीलम बना है आप ऐसा कह सकते हैं, तुला लगन वालों के लिए ही नीलम बना है आप ऐसा कह सकते हैं। तो शनि आपको बहुत सूट करेगा, दिन दूना रात चौगुना आपका विकास होगा। बुध आपके कुंडली में नवम भाव के स्वामी है, व्यभाव के स्वामी है, तो व्यभाव सदैव दूसरी राशि का फल देंगे, इसलिए पन्ना भी जीवन पर्यंत पहन के रखिए। तो आपके लिए ओपल, नीलम और पन्ना ये जीवन भर पहनने वाले रत्न हैं। मूंगा आप भूल कर बिना पहने, क्योंकि आपके कुंडली में डबल मार्केश मंगल बना रहा है, सेकंड हाउस का लॉर्ड है और सेवंथ हाउस का लॉर्ड है, इसलिए मूंगा पहनते ही आपका एक्सीडेंट होगा डेफिनेटली। कुंडली में गुरु जो हैं थर्ड हाउस और सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड हैं अच्छे नहीं हैं, इसलिए पुखराज आपके लिए नहीं बना है, पुखराज आप बिल्कुल मत पहनिए। लाभ लेने के लिए आप माणिक पहन सकते हैं, लेकिन ये लाभ आपको दुर्घटना भी देगा, इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि आप माणिक ना पहने। वृश्चिक लगन, वृश्चिक लगन में लग्न का लाड मंगल, अब सिक्स्थ हाउस का भी लाड है। ऐसा मंगल जातक के सेहत को तो जहाँ अच्छा करेगा मूंगा पहनाने के पश्चात, लेकिन अगर मंगल जहाँ पे बैठा है उस पार्ट को रोक भी देगा। अगर मंगल मान लीजिए बैठा है सप्तम भाव में, आपने मूंगा पहना, पत्नी को रोगाना शुरू, पिता के घर बैठा है पिता से अनबन शुरू या पिता को रोग शुरू, उसका एक पार्ट तो आपको अच्छा देगा एक पार्ट बुरा देगा, इसलिए सोच के समझ के पहनिए। आप पहन सकते हैं लेकिन एक पार्ट को प्रॉब्लम भी आ सकती है। सेकंड हाउस और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जुपिटर अच्छा है, ठीक है ना। पंचम भाव का स्वामी सदैव शुभ होता है, इसलिए गुरु की शुभता आपको मिलेगी। गुरु की शुभता प्राप्त करने के लिए आप पुखराज पहन के रखिए, जीवन पर्यंत पहन सकते हैं, आपको लाभ ही लाभ होगा। नवम भाव का स्वामी चंद्रदेव हैं, तो भाग्यम फलत सर्वदा, नवम भाव का आप सपोर्ट लीजिए, आपका जीवन भर अच्छा रहेगा। तो पुखराज और मोती पहन सकते हैं, सेहत के लाभ के लिए आप मूंगा भी पहन सकते हैं। समटाइम्स कुछ लोग नीलम बताते हैं, लेकिन थर्ड हाउस फोर्थ हाउस का लॉर्ड शनि है, तो सुख की वृद्धि के लिए जमीन संबंधी परेशानी से निजात पाने के लिए आप नीलम पहन सकते हैं, ठीक है ना, निजात पाने के लिए पहन सकते हैं। दसम भाव का स्वामी यहाँ पे सूर्य हुए, अगर आपको नौकरी में परेशानी आ रही है, राज्य सरकार से नहीं बन रही है, पिता से नहीं बन रही है, नौकरी बार बार आपकी छूट रही है, समटाइम्स आप माणिक पहन के देखिए फटाफट नौकरी मिलेगी आपको, उसके बाद उतार दीजिए। स्टोन कब पहनना है कब उतारना है बहुत पता होना चाहिए आपको, डॉक्टर कब दवा देना है, कौन सी दवा की कितनी रेंज बढ़ानी है कितनी कम करनी है पता होना चाहिए। आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलोगे तो मैं तो कुछ लोगों को कस्टम भाव का स्टोन पहना के लाभ दिलाया हूँ। छठवां भाव सबसे बुरा, छठवां आठवां बुरा होता है, लेकिन कस्टम भाव का स्टोन पहना के लोगों को लाभ दिला के करवा दिया हूँ। दसम भाव का स्टोन पहना के लाभ दिलवा के करवा दिया हूँ।
तो आपको पता होना चाहिए कब कहाँ कैसे यूज़ करना है। कुंडली आपके लिए है, इसलिए तो कहता हूँ कुंडली खुद भी सीखिए और दूसरों को सिखाइए। ज्योतिष ईश्वर का प्रकाश है, इस प्रकाश से आप अपने मार्ग में आने वाले दुर्होताओं को देख सकते हैं, उनको दूर कर सकते हैं। तो वृश्चिक लग्न में सूर्य का रत्न आप माड़ी पहना के राज्य सरकार से मान सम्मान ले सकते हैं, नौकरी में पदोन्नत ले सकते हैं, नौकरी ले सकते हैं। बुध एकादशेश है लेकिन अष्टमेश भी हैं, तो बुध जहाँ आय के मार्ग को तीव्र गति प्रदान करेंगे वहीं मृत्यु तुल्य कष्ट भी देंगे, इसलिए पन्ना पर बैठ करिए, पन्ना मत पहनिए। अब आते हैं धनु लग्न पे, तो धनु लग्न में गुरु जो है लग्न के लाड़ हो गए और सुख भाव के स्वामी हो गए, तो आप ऐसे लोग पुखराज पहन के रखें, जीवन पर्यंत आपको भूमि भवन वाहन और सेहत संबंधी लाभ होगा। सेकंड हाउस और थर्ड हाउस के स्वामी शनि हैं, तो सेकंड हाउस थर्ड हाउस को मजबूत करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि शनि यहाँ पे मार्केश हैं। मंगल आपके कुंडली में पंचमेश और व्यस हैं, तो संतान अच्छी हो, एजुकेशन अच्छी हो, इष्ट की कृपा मिले, उधर आपको अच्छा रहे, इसके लिए आप मूंगा पहन के रखिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। साथ में सूर्य आपके नवम भाव के स्वामी हैं, तो माड़ी का आपके लिए बहुत अच्छा स्टोन है, बहुत अच्छा स्टोन है, भाग्य को चमकाने वाला स्टोन है। तो धनु लगन वालों के लिए सूर्य भाग्य को बढ़ाने वाले स्टोन है, तो आप भाग्य को बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से माड़िक और पुखराज पहन कर रखिए। एक स्टोन आता है पीता रक्तांबरी, एक स्टोन आता है पीतांबरी जो वृश्चिक लगन वालों के लिए होता है, वृश्चिक लगन वालों के लिए होता है पीतांबरी, एक आता है रक्तांबरी। रक्तांबरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ धनु लगन वालों के लिए या किंचित अवस्था में सिंह लगन वालों के लिए होता है। एक तीर से दो निशाना, एक स्टोन से दो फायदे, तो रक्तांबरी इन्हीं के लिए होता है। पन्ना आप समटाइम्स पहन सकते हैं, सरकार से सहायता मिलेगी, शादी वगैरह में प्रॉब्लम आ रही है पहन सकते हैं। बुध यहाँ पे दिव्य मार्केश है लेकिन बुध मारेगा ओरेगा नहीं, ठीक है ना, समटाइम्स पहन सकते हैं, लॉन्ग टाइम नहीं, समटाइम्स आप पहन सकते हैं। ओपेल आपके लिए नहीं बना है, डायमंड आपके लिए नहीं बना है क्योंकि शुक्र आपका खष्टेश है और लाभेश है, ये आपको एक्सीडेंट दे देगा, ठीक। तो मोती आपका अष्टमेश है, भूल कर भी ना पहने, पहनने से नकारात्मक विचार आएंगे, आपको लगेगा जीने का कोई फायदा नहीं, तो धनु लगन वालों के लिए मोती बिल्कुल नहीं बनी है। आते हैं मकर लगन पे, लग्न का लाड़ शनि नीलम पहनिए, लाभ होगा। यद्यपि शनि द्वितीय का स्वामी है फिर भी लग्न का लाड़ लग्न का लाड़ है, पहनने से निश्चित रूप से लाभ होगा। अब द्वादश भाव के स्वामी थर्ड भाव के स्वामी यहाँ पे गुरु हुए, गुरु का स्टोन आपको सूट नहीं करेगा, पहनते ही आपको नुकसान होगा। तो मकर लगन के लिए शनि सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह, दूसरे इम्पोर्टेंट ग्रह शुक्र क्योंकि पंचमेश हैं और साथ में कर्मेश हैं, पंचम भाव के स्वामी दशम भाव के स्वामी शुक्र हैं, ऐसे शुक्र को बल देने से आपको संतान संबंधी फायदा होगा, उधर अच्छा रहेगा, बुद्धि बहुत अच्छी चलेगी। वहीं पे नवमेश को बल देने से आपका भाग्य बढ़ेगा, ठीक है ना, भाग्य बढ़ेगा। यहाँ पे मंगल सुखेश हैं और एकादशेश हैं, तो मंगल का कुछ समयानुसार, ठीक है ना, कुछ किंचित लाभ लेने के लिए आप पहन सकते हैं, ज़्यादा मत पहनिए। चंद्रमा आपके सप्तमेश है, मार्केश है, बिल्कुल अच्छे नहीं है। सूर्य आपकी कुंडली में अष्टमेश है, उनका स्टोन पहनाने से आपको मृत्युतुल्य कष्ट मिलेगा, तो उनसे अवॉइड रखिए, बचे रहिए। गुरु आपके ठीक नहीं है, इसलिए गुरु का स्टोन आपको सूट नहीं करेगा। यहीं पे जैसे आते हैं कुंभ लगन में, शनि आपके लग्नेश है, नीलम आपको सूट करेगा, अमिताभ बच्चन वाली कुंडली बन जाएगी। गुरु आपके सेकंड हाउस और एकादश भाव के स्वामी है, पैसा बहुत मिलेगा अगर गुरु का स्टोन आप पहनते हैं तो। कुंभ लगन में अगर गुरु लगन में बैठ जाए तो ऐसा जातक आने वाले तीन पीढ़ियों तक के लिए धन कमा के जाता है, ठीक है ना, तीन पीढ़ियों तक के लिए धन कमा के जाता है। तो गुरु एकादशेश हैं, द्वितीयेश हैं, बहुत पैसा देंगे, इसलिए ज़्यादा धन पाने के लिए आप गुरु का स्टोन पहन सकते हैं। अगर आप चाहें गुरु का स्टोन पहनना तो गुरु का स्टोन पहन सकते हैं, लेकिन मार्केश भी हैं और एकादशेश हैं, एक्सीडेंटल है, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। शनि मजबूत है तो आप पहन के रखिए। आपके कुंडली में शुक्र जो है सुखेश है और भाग्येश है, सुखेश और भाग्येश है, डायमंड पहन के रखिए, ओपल पहन के रखिए, आपका भाग्य बढ़ेगा, सुख की मात्रा बढ़ेगी। आपके कुंडली में जो बुध महाराज हैं वो पंचमेश हैं अष्टमेश हैं, इसलिए बुध की कंडीशन को देख के बुध कहाँ बैठे हैं उसके अनुसार स्टोन पहनिए, क्योंकि उनके पास अष्टम भाव भी है, तो अष्टम भाव को केयर करते हुए स्टोन पहनिएगा, नहीं तो दुर्घटना हो जाएगी। आप बचा मोती, मोती आपका खष्टे से बिल्कुल नहीं पहन सकते, माड़ी का आपका सप्तमेश से बिल्कुल नहीं पहन सकते, एक्सीडेंट करा देंगे।
किंचित अवस्था में शादी उदी नहीं हो रही है, 1-2 महीने के लिए पहन सकते हैं या सूर्य की उपासना कर सकते हैं। मूंगा आपके कुंडली में कर्म भाव के स्वामी है, पराक्रम भाव के स्वामी है। समटाइम्स सरकार से लाभ लेने के लिए, नौकरी में लाभ लेने के लिए पहन सकते हैं, लॉन्ग टाइम नहीं, समटाइम्स पहन सकते हैं। अब आते हैं लास्ट लग्न, मेन लग्न। मेन लग्न में गुरु गुरु हैं तो लग्न के लाड़ हैं, इनका आप पहन के रखिए तो नौकरी में विकास, राज्य सरकार से मान सम्मान, पिता से बढ़िया संबंध, पिता से लाभ और आपको हेल्थ वाइज लाभ। पुखराज आपका जीवन रत्न है, पुखराज पहन के रखिए, अच्छा रहेगा। मूंगा आपके कुंडली में सेकंड हाउस का लाड़ और 9th हाउस का लाड़ है, भाग्य भाव का स्वामी और धन भाव का स्वामी है, तो भाग्य का रत्न पहनने से आपकी भाग्य वृद्धि होगी, धन की वृद्धि होगी। मूंगा यहाँ नुकसान नहीं करेगा, किसी तरह से नुकसान नहीं करेगा क्योंकि भाग्य से। पंचम भाव के स्वामी यहाँ पे चंद्रदेव हैं, चंद्र भगवान है, तो आप मोती पहन कर रखिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। पन्ना आपके सुखेश हैं, मार्केश हैं, उनकी जो मूल राशि है कन्या की, माने बुध की कन्या राशि, सप्तम भाव में है, इसलिए पन्ना सम टाइम्स पहन सकते हैं, लॉन्ग टाइम नहीं पहन सकते। आपके कुंडली में सूर्यदेव खष्टेश हैं, इसलिए माणिक नहीं पहनिए, माणिक को अवॉइड करिए। शुक्र सर्वाधिक नुकसान देने वाले ग्रह हैं, तृतीयेश और अष्टमेश हैं, इसलिए ओपल और डायमंड आपके लिए नहीं बना है। नीलम द्वादशेश और एकादशेश हैं, एक्सीडेंट है, व्यय है, इसलिए मीन लग्न वाले अगर शनि का स्टोन पहनते हैं, नीलम पहनते हैं, तो फिर उनका एक्सीडेंट होना, उनका व्यय होना सुनिश्चित है। तो ये द्वादश लग्न अनुसार आप कौन कौन से स्टोन पहन सकते हैं वो था। अब एक प्रश्न और आएगा, कब पहने। तो पहनने का सीधा सा सिस्टम है, जब जो पार्ट आपको चाहिए तब पहने। एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, संतान संबंधी प्रॉब्लम आ रही है, पंचमेश को स्टोन पहनिए। आप नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही है, भाग्येश को सपोर्ट करिए, उसमें पंचमेश सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब नौकरी ढूंढ रहे हैं, आप लग्न को पावर दे सकते हैं लेकिन नवमेश को ज़्यादा पावर दीजिए, नवम भाव की जरूरत है। जरूरत किसकी है? आप बीमार हैं, भाग्य भाव को पावर देने की जरूरत नहीं है, लग्नेश को पावर देना है। तो कहाँ पे कौन सी दवा देनी है ये डॉक्टर को पता होना चाहिए, ठीक है ना? और ये कैसे आता है? ये एक्सपीरियंस से आता है, ये आपको कहीं किताब में लिखा नहीं मिलेगा। एक अच्छा कंपाउंडर एक पढ़े लिखे डॉक्टर से ज़्यादा अच्छा काम कर लेता है, क्योंकि वो लगातार काम करता है। इसीलिए मैं कहता हूँ ज्योतिष सीखिए और ज्योतिष सिखाइए, जब आप काम करेंगे तभी सीख पाएंगे। दिन आप सबको पता है कौन से स्टोन किस दिन पहना जाता है। एक चीज़ और लास्ट में कहना चाहूँगा, कोई भी स्टोन लीजिए, मार्केट में पत्थर मिलते हैं, इस बात को यहाँ पे कॉन्सेप्ट बना कर रखिए, पत्थर ही मिलते हैं, उसको आपको रत्न बनाना पड़ता है, ठीक है ना? सिम मिला है, एक्टिवेट कराना पड़ेगा या करना पड़ेगा, तभी वो काम करेगा। तो रत्न रेमडीज से भी फायदा ले सकते हैं। ये कलर थेरेपी है, क्या है रत्न रेमडीज? क्या है? कलर थेरेपी है, डॉक्टर कहते हैं कलर थेरेपी, बस ये कलर थेरेपी है, लेकिन इसका काम करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा तीव्र गति है। मंत्र जो हमारे होते हैं उनका हम जाप करते हैं, फिर हवन करते हैं, उसके पश्चात काम करना शुरू करते हैं, उसी तरह थोड़ा सा ये भी टाइम लेते हैं। जैसे हमने पहना, आज पहने, आज ही लाभ नहीं होगा, रत्न आपको पहनने से लेके 42 डेज तक लाभ देना शुरू करेगा, लेकिन विश्वास यहाँ भी रखना पड़ेगा। और सही स्टोन आपको मिले या ना मिले, कोई भी स्टोन जब आप लेके आते हैं, सही का तो मैंने आपको बताया ना, गाय का दूध, बस वही जान लीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा उस जो स्टोन है उसका जो देवता है, उसका ग्रह जो है, उसके मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा उसी स्टोन पे आप जाप करिए। या अगर वो डेड हो गया है, कभी कोई स्टोन क्या होता है, डेड हो गया है तो उसको पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया बताई गई हमारे शास्त्रों में, आप उसको पढ़िए, नहीं तो उस पर एक वीडियो बनाएंगे, आधे घंटे का उस पर बनाएंगे। तो रत्नों को कैसे पुनर्जीवित किया जा सकता है, या कैसे आप जान सकते हैं रत्न डेड है, ठीक है ना? आप ये जान सकते हैं, सिम एक्टिवेट है या नहीं है आपको पता होना चाहिए। तो फिर चर्चा करते हैं, तब तक राधे राधे, ज्योतिष सीखिए और सिखाते रहिए।